हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काजू कतली। ये स्पेशल रक्षाबंधन के लिए हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं, एकदम बाजार जैसा हमने काजू कतली बना के तैयार किया है। बिल्कुल सॉफ्ट है ये काजू कतली और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं बिना बिगड़े, बिना ख़राब हुए। आप देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट जो हमारी बर्फी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने साबुत काजू है ये। आप चाहें तो टुकड़े भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये काजू मैंने 2 कप यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स, देखिए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि इसमें ना हमें चाशनी बनानी है ना कोई झंझट है। देखिए, इसमें जो काला वाला दिख रहा है काजू में, उसे हम निकाल देंगे चाकू की हेल्प से। देखिए, नाखून से आप मत करिएगा, नहीं तो ये चुभ भी जाते हैं। तो हम इसे काले वाले पार्ट को हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, जो काले वाले पार्ट हैं, मैंने सारे थोड़े थोड़े कहीं कहीं थे तो मैंने निकाल लिए हैं बिल्कुल अच्छे से। तो इसे हम पीस लेंगे एकदम, इसे हमें फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो मिक्सर है उसको आप उल्टा चलाइएगा क्रश करने के लिए, सीधा मत चलाइएगा। पहले उल्टा चलाइएगा, फिर उसके बाद से सीधा चलाइएगा। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है, रुक रुक के मैंने ये, देखिए ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ा है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे सीधा करके पीस लेंगे, जैसे हम नॉर्मल मिक्सर चलाते हैं वैसे चला के इसे पीस लेंगे। और रुक रुक के हमें चलाना है फ्रेंड्स। देखिए, थोड़ा बहुत ऑयल रिलीज़ किया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अगर आपकी काजू थोड़ी सी ऑयल रिलीज़ भी कर देती है तो भी कोई बात नहीं है, उससे भी इजीली जो हमारे काजू कतली हैं बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, एकदम फाइन पाउडर तैयार हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े दाने हैं, बट इसमें दाने नहीं हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पे 2 कप काजू के लिए 1 कप चीनी लेंगे, और जितनी हमें चीनी लेनी है उतनी ही हमें पानी लेनी है। तो हम चीनी घुलने तक का वेट करेंगे फ्रेंड्स। हमें इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, ना चिपचिपी रखनी है। तो देखिए, जो हमारे चीनी है पानी में अच्छे से घुल गई है। तो हमने जो पाउडर पीस के तैयार किया है काजू वाला, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें काजू कतली में कोई भी एसेंस या फिर किसी भी इलायची पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल बिना इन सब चीज़ों के ये टेस्टी लगता है। तो देखिए, मैं इसमें पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है हमें। और फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे ये स्मूथ होता जाएगा। आपको थोड़े बड़े छोटे कड़ कहीं दिखाई दे तो उसे स्पैचुला से आप प्रेस करके उसमें मेल्ट कर दें। तो देखिए, मुझे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और देख सकते हैं जो हमारा ये पेस्ट जैसा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हमें और भी पकाना है। और फ्रेंड, यहाँ पे गैस की फ्लेम हमको लो रखना है, नहीं तो लो से थोड़ी सी अधिक रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करिएगा आप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई दाने दिखेंगे। और देखिए, बिल्कुल नीचे से लगने लग रहा है, अब कढ़ाई छोड़ने के स्टेज पे ये आ गया है। तो हमें इसे और 2 से 3 मिनट पकाना है, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा हमारा काजू का पेस्ट, तो हम इसे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए, जो हमारी ये काजू का पाउडर था वो बिल्कुल ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच घी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे घी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में यूज़ करूँगी 1 छोटी चम्मच घी का। तो देखिए, कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है। तो हम इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस मिक्सर को आपको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें मैंने घी लगा लिया है, घी लगा के मैंने रेडी कर लिया है। इसमें अपने मिक्सचर को हम डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस काजू को ज़्यादा पका देंगे तो भी हमारी जो बर्फ़ी है सेट नहीं होगी। तो कढ़ाई छोड़ने तक ही आपको इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं इसे स्पैचुला से ही ऐसे फैला के और इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, अब हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी हम हाथ से अभी इसे छू नहीं पा रहे हैं, इतना गर्म है कि। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 चम्मच घी यहाँ पे ऐड कर दिया है, इससे जो काजू कतली है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, हार्ड बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम इसमें 1 छोटी चम्मच घी ऐड किए हैं, थोड़ी सी आप अधिक भी डाल सकते हैं। तो देखिए, जो मिक्सचर है बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसे हाथों से हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। और हमने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे घी लगा सकते हैं बटर पेपर पे, मैंने यहाँ पे घी नहीं लगाया है। तो मिक्सचर को बटर पेपर पे डाल के हमें इसी पेपर से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर करके और इसे थोड़ा स्मूथ बना लेना है हमें।
ऐसे करने से जो हमारा मिक्सचर है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसे हाथ से बिल्कुल टच मत करिएगा, नहीं तो ये हाथ में चिपकेंगे। इसे हमें बटर पेपर से ही करना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल जो पॉलीथीन आती है उससे भी आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा गोल शेप दे देंगे और इसे सेट कर लेंगे। देखिए हाथ में चिपक रहा है, तो हमें हाथ से इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। देखिए तो देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और सेट भी कर लिया है। आप चाहें तो इस स्पैचुला से इसे थोड़ा सा घिला के स्पैचुला में ऐसे सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बटर पेपर रख देंगे और बेलन की हेल्प से इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बेलना है, नहीं तो साइड साइड से फट जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है और कहीं मोटा कहीं पतला हुआ है, तो हम चारों तरफ एक बराबर कर लेंगे। जिधर मोटा लग रहा है उधर बेलन हम घुमा घुमा के और चला लेंगे। तो अभी ऊपर भी थोड़ा सा मोटा है, उससे भी हम थोड़ा सा शेप दे देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप शेप पे मत जाइएगा, जो हमारी काजू कतली बनेगी एकदम ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो काजू कतली किसे पसंद नहीं होती है, तो आप इस काजू कतली को किसी भी तीज त्यौहार दिवाली कभी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतला मोटा आपको जैसे रखना है रख सकते हैं, चाहे तो मोटा कर सकते हैं नहीं तो पतली भी रख सकते हैं। वैसे काजू कतली आपने देखा होगा पतला ही होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही काजू कतली बना के तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ एक बराबर मैंने बेल लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारी काजू कतली बाजार जैसी बिल्कुल बन के तैयार होगी, या आप कह सकते हैं बाजार से भी अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं वरना टोटली स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे भी ये अनहेल्दी होता है, तो बस आपको हम दिखाने के लिए इस पे लगा रहे हैं, वरना नहीं लगाते। थोड़ा बाजार वाला लुक आए इसके लिए मैंने लगा दिया। तो इसे हम थोड़ा अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बर्फ़ी का शेप दे देंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पे चाहे तो आप स्केल से नाप के भी माप के भी और इसे कट कर सकते हैं। मैंने इसे पिज्ज़ा कटर से कट किया है। यहाँ पे आप तेज़ चाकू का इस्तेमाल करें, जो जिसकी धार तेज़ हो उसी से आप इसे कट करें। तो देखिए इजीली कट भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। देखिए ये सेट होना बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, फिर भी अभी ये सॉफ्ट हैं। अभी इसके लिए हमें 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं जो हमारी बर्फ़ी है बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुकी है। तो इसे निकालने से पहले थोड़ा सा चाकू से ऐसे कट कर लें ताकि ईजिली निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना सारा कट करके निकाल लिया है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दे रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारे काजू कतली हैं कितने इजीली निकल जा रहे हैं, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस मैंने बहुत सारे रक्षाबंधन पे मिठाइयों के डाले हुए हैं, जैसे गाजर के लड्डू, नारियल का लड्डू, इंस्टेंट पेड़ा, बर्फ़ी, मैदे की बर्फ़ी, बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर जाके चेक करिएगा फ्रेंड्स। देखिए जो हमारी बर्फ़ी बनी है कितनी परफेक्ट बनी है, देख सकते हैं आप एकदम बाजार जैसी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस बर्फ़ी को आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी बनी है और ख़राब भी नहीं होगी, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी बनती है कि स्टोर करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, 1 ही 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।